बस्ती में कल देर रात गौर थाना क्षेत्र के चिताह गांव में लगभग एक 75 वर्षीय वृद्ध राजकुमार की हत्या हो गई। मौके पर सूचना पाकर पहुंची पुलिस तथा फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सूचना पाकर बस्ती पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी व हरैया क्षेत्राधिकारी शेषमणि उपाध्याय भी घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किए। घटना के बारे में जानकारी देते हुए हरैया क्षेत्राधिकारी शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि कल रात पुलिस को सूचना मिली कि चिताह गांव में एक बुजुर्ग की हत्या हो गई है। सूचना पाकर तुरंत गौर थाना अध्यक्ष घटनास्थल पहुंचे और हम लोग भी पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया। मृतक की हत्या किसी धारदार वस्तु द्वारा गले पर वार करके की गई थी। उन्होंने बताया कि मृतक गांव के बाहर झोपड़ी में अपने छोटे बेटे के साथ रहा करता था। घटना के समय उसका लड़का खाना खाने गया हुआ था तथा मृतक की छोटी बहू उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी। घटना का हर एक एंगल से जाँच किया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस बल तैनात है। कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है। आज थाना गौर को सूचना प्राप्त हुई कि चिताह ग्राम में एक राम कुमार नाम के व्यक्ति, जिनकी उम्र लगभग 75-76 साल थी, जो कि अपने गांव के बाहर एक छप्पर में अपने छोटे वाले बेटे के साथ रहते थे, उनकी मृत्यु की सूचना मिली थी। और जब मौके पर सूचना मिलने पर तत्काल SHO गौर मौके पर पहुँचे और घटनास्थल पर सूचना मिलने पर मैं भी मौके पर आया और हमारी जो फॉरेंसिक टीम है, फील्ड यूनिट, वो भी मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो ये पाया गया कि मृतक राम कुमार के गले पर किसी तेज धारदार हथियार से कट किया गया है और काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति थे वो, वहीं पर रहते थे और उनके पास उनकी बेटा रात को सोता था, लेकिन उस समय वो खाना खाने गया था तो उनकी छोटी वाली बहू मौके पर थी। और इसका हर एंगल से हम लोग अभी इसमें छानबीन कर रहे हैं मौके पर, और इस संबंध में लाश को कब्जे पुलिस ले लिया गया है और उसको मोर्चरी भेजा जा रहा है और इसमें नियमानुसार इसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी और जो भी इसमें साक्ष्य मिलते हैं उस आधार पर इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है और